पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मैंने अश्विन को एक बिजनेस प्रपोजल दिया था, उसने मना कर दिया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका साथ दे सकता हूँ। वो कुछ प्लान चल रहा है बापोदरा के दिमाग में बिजनेस के बारे में। बापोदरा सोच रहा था कि किसी प्रीमियम जगह पे अच्छे लोकेशन पे एक बढ़िया जिम खोला जाए। मूड़ी तो है बापोदरा के पास, तू प्रार्थना और बापोदरा मिलके उसको चलाए। दोनों पापा मुझे बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अब उनमें आपस में नहीं बनती वो बात अलग है ना। कैसे समझाऊंगा पन्नू के पापा को? मैंने उनको हाँ कर दी है। मेरे पापा की जो ऑफर है वो एक तरीके से प्रस्ताव है पुरानी कड़वाहट मिटाने के लिए। और कल को अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो सोच हमें इनडायरेक्टली कितना फायदा होगा। उनका नेटवर्क, उनकी गुडविल, उनका बैकग्राउंड खराब था पर वो उनका पास्ट है। हम सब अच्छे से जानते हैं कि वो डेस्परेटली बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहें या ना चाहें अतीत आज में रिफ्लेक्ट करता है ये भाभी। एंड प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। लेकिन उस बात को काफी टाइम हो चुका है पन्नू। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि उन्होंने मुझे पहले ऑफर दिया और मैंने कमिट कर दिया। पर इन बातों में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं देखते चिराग। कौन सा ऑफर बेहतर है, कौन सा पार्टनर बेटर है और पर्सनल फायदा किसमें है, ये सब देखना पड़ता है। और इन सब बातों को नजर में रखते हुए मुझे बापोदरा काका का ऑफर ज्यादा वायबल लग रहा है। और पापा को दिए हुए कमिटमेंट का क्या? उनसे साफ साफ बात करके मना करते, आई एम श्योर वो समझेंगे। पन्नू, अश्विन भाई ने उनको ऑलरेडी मना कर दिया है। उनके पास में बहुत बैगेज है चिराग, ये बात तो वो अच्छे से जानते ही हैं। और मेरे नाम को बहुत अच्छे स्पिरिट में लिया उन्होंने और मुझे लगता है कि तुझे भी समझेंगे अच्छे से वो। और वैसे भी कोई जबरदस्ती थोड़ी ना। पर अश्विन चिराग ने कमिट किया है, दूसरा ऑफर आते ही वो पहले को ना कर दे ये सही थोड़ी है। हाँ पर दीप्ति, इट्स ओके अश्विन, बहुतों की तरह हम भी एक बात से अग्री नहीं करते। चिराग का फैसला ही है, हम सब क्यों बहस कर रहे हैं। थोड़ा बहुत सुकून बचा उसे खराब नहीं करना है मुझे। चिराग, बहुत मुश्किल से पापा ने तुझे काबिल समझा है, तुझ पर भरोसा किया है, तेरे लिए दोस्ती का हाथ बढ़ा है। तू इसे ठुकराने से पहले 100 बार सोचना प्लीज। भावड़ी की याद दिलाती काकू ने, अलग ही नाता है तेरा उस मिट्टी के साथ। तो कितना भी यहां रह ले नाता कभी नहीं टूटेगा। ठीक है, आज एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, बापोदरा ने चिराग और प्रार्थना के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। आज पहली बार उसने अपने दामाद पर विश्वास जताया है रे। बहुत ही खुश हूँ अपनी रुचि लोमड़ी के लिए। और तू, तेरा क्या प्लान है? मेरा प्लान, सच कहूं मुझे बालवाड़ी रिवाइव करके बहुत अच्छा लगा, आत्मा को शांति मिल गई रे। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत सुकून मिला, ऐसा लगा कि चलो अच्छा है, कई और जिंदगियां सुधर जाएंगी। इसमें जितना मेरा हाथ है ना उससे बड़ा नियति का हाथ है। हो सकता है कि नियति ने शिक्षण से मेरा रिश्ता एक बार फिर इसलिए जोड़ा हो कि मैं लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकूं। अगर मौका मिला तो क्यों नहीं,
सिक्सेंट से पवित्र भेंट और क्या हो सकती है ना? हाँ। हो गया तेरा भी आर्गुमेंट प्रार्थना से? वेलकम टू मैरिड मेंस क्लब। आ बैठ। तुझे पता है चिराग, दुनिया में ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो पत्नियों को कैसे मनाया जाए वो हमें सिखाए। अजीब दुविधा है भाई, क्या करूं मैं? जो तेरा मन हो वो कर चिराग। देख, उन्होंने बिजनेस पार्टनरशिप प्रपोजल मुझे भी दिया था पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं किसी के एक्शन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, खासकर उनकी। मैं अपने काम की गारंटी ले सकता हूं पर किसी और के नहीं, फिर चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। पर तेरा मामला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ पापा है और दूसरी तरफ भी पापा ही हैं और दोनों पापा एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। भाई आप मुस्कुरा रहे हो, यहां मेरी जान निकल रही है, बताइए ना क्या करूं? इस सवाल का जवाब तुझे खुद ढूंढना होगा चिराग, तभी तो दिल से जुड़ पाएगा, फिर चाहे वो बापोतरा काका हो या फिर वो। अपने फैसले खुद ले, फिर चाहे वो सही हो या गलत उसका भुगतान भी खुद ही कर। गई टाइम की इनवॉइस में गोची थी, टिफिन कम गिने, मुझे बदल कर दिया, हिसाब मैंने मैसेज किया है। ओके पुष्पा, तो अश्विन टाइम मिलेगा तो हिसाब टैली कर देगा, नई इनवॉइस में आधी बातें समझ में नहीं आती है मुझे। ठीक है। रात की बहस को लेकर अब भी नाराज लग रही है? पुष्पा इम्पॉसिबल, अरे आज से स्कूल शुरू। आई गई हूँ आपकी वर्कशॉप पे और मैं चली स्कूल। अच्छा रुक, एक सेकेंड रुक, तेरा टिफिन खोल के देख। खास तेरे लिए। हाँ, और तेरे दोस्तों के लिए भी, उन्हें भी खिलाना। पर अभी तक दोस्त कब बने हैं? अब तो पहला दिन है ना स्कूल का। कितनी देर लगती है दोस्ती करने में? रिसेस तक एक दो दोस्त बन जाएंगे और डब्बा खोलते ही तीन चार और। हाँ, पिज्जा देख के सभी दोस्त बन जाएंगे। दुनिया मतलब ही होती है ना। अश्विन दादा चलो मुझे स्कूल छोड़ दे, आज फर्स्ट डे है ना, फिर लेट नहीं होना चाहिए। हाँ चलो, दीदी को भी लेके चले। नहीं सोरा, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। चलो सोरा आओ। ओ पुष्पा इम्पॉसिबल, दोनों के बीच फाइटिंग हुई है क्या? क्यों रे, ऐसा क्यों पूछा? दोनों के फेस से दिखता है, आपको नहीं दिखता है दोनों के फेस का टेंशन? दिखता तो है, लगता तो है कि कट्टी हुई है दोनों में। तू बट्टी करवा दे। बड़ों की बट्टी कराना इतनी आसान नहीं होता है। एक पिज्जा के टुकड़े से बट्टी नहीं होती बड़ों की। ईगो, गुस्सा, पुराने झगड़े, इससे पता नहीं क्या क्या पकड़ कर बैठे रहते हैं बड़े लोग। वो सब मुझे नहीं पता, पर चाहिए तो हम दोनों उन दोनों के बट्टी करवाने का ट्राई कर सकते हैं। तुझे बड़ी पड़ी है उन दोनों की बट्टी की? क्योंकि मुझे दीप्ति दीदी और अश्विन दादा बहुत अच्छे लगते हैं। और वो प्रार्थना आंटी, सॉरी सॉरी सॉरी, अब हेल्प करोगे मेरी उन दोनों की बट्टी करवाने में? अच्छा दादी अम्मा, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। ओके
अब देर नहीं हो रही आपको, चलो ना। अरे अच्छा। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।